वो प्रिंट पक्का बिल पहले आप वीडियो काहे बना रही है? वो भाई मालगाड़ी ओवरटेक कर गया, बिल यहाँ पर दिया हुआ। कोच भरने के साथ साथ वॉशरूम भी भर चुका है। ओ भाई कहाँ बिहार जा रहे हो? सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। अभी मैं हूँ दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पे और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बिहार की जानी मानी ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका नाम बुद्धिस्ट धर्म की एक तीन मोस्ट्री में से एक मोस्ट्री के नाम पे है, जो कि अभी भागलपुर में है। जो अपनी ट्रेन है विक्रमशिला, ये पूरे बिहार को कवर करते हुए जाती है। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं, अंदर जाके ट्रेन का शेड्यूल एंड ट्रेन के बारे में बताते हैं। तो लो जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आनंद विहार टर्मिनल पे और ये लगी हमारे पीछे विक्रमशिला एक्सप्रेस 12368। अगर इस ट्रेन के शेड्यूल की बात करें तो ये ट्रेन हर दिन 1:15 पे आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है 1208 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद। दूसरे दिन सुबह 8:15 पे आपको भागलपुर पहुंचाती है। तो आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो थर्ड एसी होने वाली है इस ट्रेन में। स्लीपर की आप बात ही छोड़ दो, स्लीपर में इतनी वेटिंग रहती है, 200 से प्लस वेटिंग रहती है। अगर आपको स्लीपर में जाना तो आपको एक महीना पहले टिकट कटवानी पड़ेगी। तत्काल की तो बात ही छोड़ दो भाई, इतना कॉम्पिटिशन रहता है तत्काल में। बाकी भाई ये अपना कोच और ये अपनी सीट 64 साइड अपर मिल गया। कि भाई डांट फटकार शुरू हो गई, अभी ट्रेन चली भी नहीं, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, वो वहाँ पे सारे के सारे इकट्ठा होके बैठे थे, तो अभी डांट फटकार हो गई। बाकी इसका जनरल कोच देख लो आप, मतलब जनरल कोच में इसमें यात्रा करना नामुमकिन है भाई, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे देखिए अपनी विक्रमशिला का जनरल डब्बा देखिए, अभी भर चुका है ये आनंद विहार पे ही। आप कहाँ जाओगे? इसी में बैठ के जाओगे। बाकी जो अपनी विक्रमशिला है उसका जनरल कोच तो भाई पूरा का पूरा भर चुका है। सरकार को जो कोचेज है वो बढ़ाने चाहिए। देखिए ये भी कोच भर चुका है एंड ये भी कोच भर चुका है। कोच भरने के साथ साथ वॉशरूम भी भर चुका है। ओ भाई कहाँ बिहार जा रहे हो? बिहार जा रहे हो? ये देखिए, तो सरकार से निवेदन है कि भाई इसके जो कोच है वो बढ़ाए जाएँ या ट्रेनें बढ़ाई जाएँ। देखिए यात्रियों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखो ये सारे यात्री खड़े होके, बिहार जाओगे ना सारे, ये बेचारे सारे खड़े होके बिहार जा रहे हैं। देखिए और ये देखिए समस्या हो रही है ना आपको जाने में, ये देखिए सभी को बहुत समस्या हो रही है जाने में, ये सारे भाई जा रहे हैं। और देखिए अभी ट्रेन चली भी नहीं है, एक घंटा तो नहीं है, आधा घंटा चलने को, लेकिन भर चुकी है और कोच भरने के साथ साथ वॉशरूम भी भर चुका है इसका। तो अभी भाई नहीं इसमें जा सकते ये यात्री, तो प्लीज। हाँ ये आराम है, ये किसको आराम है यार, इससे भी ज्यादा बढ़ती है क्या? बिल्कुल आराम हो रहा है, इससे भी अधिक बढ़ती है। ये आराम है? आराम कहाँ, आराम है सर। हाँ आराम है। बाकी दोस्तों ये लगा हमारी ट्रेन के साथ लोकोमोटिव जो कि वैब 7 का है, और जो अपना वैब 7 है ना दोस्तों, ये 25 किलोवाट एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जो कि 1999 में चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बनाया गया था। काफी पावरफुल लोकोमोटिव है। सो भाई देखिए 1:16 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है वो निकलने को रेडी हो चुकी है आनंद विहार से। विक्रमशिला खुल चुकी है, अभी ये 400 प्लस किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद रुकेगी। भाई देख लो, मैंने बोला था ना इसका यूपी में 2 ही स्टॉप है, अब सीधे बिहार में स्टॉप आएंगे क्योंकि एक ही कवर होगा, और जो दूसरा रुकेगा ये रात को 11:35 पे रुकेगा 700 कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद। तो भाई वो तो कवर नहीं कर पाएंगे जो कि प्रयागराज है, लेकिन कानपुर जरूर कवर करेंगे, बट काफ़ी देर बाद आएगा कानपुर भाई। बाकी सोच लो जो 19 स्टॉप है वो सिर्फ बिहार में है, 2 स्टॉप सिर्फ यूपी में, बाकी सब 19 के 19 बिहार में। मतलब प्रयागराज के बाद ये पैसेंजर ही बन जाती है एक टाइप की, लेकिन यहाँ से काफ़ी तेज आती है।
भाई देखिए दिल्ली से निकलने के बाद हमारी ट्रेन 100 पे पहुंच गई हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस देखिए। एंड ये कुछ कोच का माहौल है, इधर भी यात्री बैठे हैं एंड पीछे भी, और जो अपनी ट्रेन है वो पूरी पैक हो चुकी है, ऊपर यात्री सो रहे हैं। 63 नंबर जो अपने भैया के पास भी हेड ले हैं, भैया अपने कोच अटेंडेंट है, पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे तैनात है यहाँ पे, किसी भी यात्री को कुछ भी पड़ रहा है भैया तुरंत दे रहे हैं। तो अच्छा लगा भाई के साथ अब बैठते हैं, भाई अपनी स्वतंत्रता से नहीं आ गई। देखिए 132 130 पे चल रही है हमारी ट्रेन, और जो आपको अभी मैंने स्किप दिखाया ना भाई, फ्लैट दोनों ट्रेनों की 130 थी, क्योंकि दिल्ली से कानपुर तक का जो रूट है वो 130 का रूट है। बाकी अभी साफ सफाई देख लेते हैं अपनी ट्रेन में, साफ सफाई में यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे डस्टबिन है, और यहाँ पे भी डस्टबिन है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, देख सकते हो क्लीन है, यहाँ पे वाटर टैब है, और यहाँ पे मिरर है जो कि अच्छा खासा मिरर है। तो चलिए वॉशरूम देख लेते हैं, अभी वॉशरूम में साफ सफाई कैसी है। आप फ्रेशनर मिल जाएगा यहाँ पे, आपको एग्जॉस्टर मिल जाएगा, वॉश बेसिन मिलेगा यहाँ पे, वाटर टैप मिलेगा यहाँ पे, ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हो इससे। अब यहाँ पे आपको लिक्विड सोप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। तो वॉशरूम की साफ सफाई की बात करें तो ठीक ठाक है, मतलब जा सकते हो आप। कितने की कॉफ़ी है? कॉफ़ी 25 रुपये की। फ़ोन पे ले लोगे? फ़ोन पे। ये कितने 25 की है? बिल तो यही है। हाँ बिल तो यही है कॉफ़ी का। कॉफ़ी का? हाँ कॉफ़ी का बिल है। अच्छा अच्छा चलो दे दी। बिल तो इससे प्रिंट है, प्रिंट ही तो बिल है, थोड़ी अलग सा है, जिसमें बिल नहीं रहता उसका ना बिल बनाया जाता। पैंट्री में नहीं रहता है ना इसका? नहीं, इसका बिल यहाँ पर दिया हुआ है। खाना भी खा लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे इनके, कुछ नहीं बोलेंगे, खाना पीना हर चीज खा लेंगे, और रात को हिसाब किताब लेने कहाँ जाएंगे बताए, पैंट्री में। ओ भाई मालगाड़ी ओवरटेक कर गई है। ये क्या यार, साली मालगाड़ी ओवरटेक कर गई। देख मालगाड़ी आज ओवरटेक कर गई। वाह, विक्रमशिला को किया मालगाड़ी ने ओवरटेक, इसी मालगाड़ी ने ओवरटेक किया था ना। अब इस मालगाड़ी की बारी, विक्रमशिला को आया क्रोध, देखिए विक्रमशिला का क्रोध भाई, बदला कैसे ले रही है भाई इतनी स्पीड से, देखो देखो वाह, हमसे मजा आ गया यार, देखिए वाह कर दिया ओवरटेक। क्या है खाने में? वेज है नॉन वेज? वेज में क्या? वेज में पराठा चावल दाल दो सब्जी अचार एक सूप। कितने का पड़ेगा? 150 का थाली। 150 का? फोन पे ले लोगे? हाँ हो जाएगा, लिख लो भैया। सब साथ में आप लोग भैया, वेज में पराठा चावल दाल दो सब्जी अचार तो में आ जाता है। 2000 टू दे दीजिए। ओ भाई कल पहुंचेंगे ना? कल सुबह? कल पहुंचेंगे, क्या पता लेट ना हो जाए।
अगर लेट हो गई तो अपने पास कैश कोई खराब थोड़ा ना होता है यार। बिहार तो नई दिल्ली से 427 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे, जो कि इतनी दूर बाद आया कानपुर सेंट्रल। CNV से स्टेशन कोड है और जो अपना कानपुर है उसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। तो 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का कानपुर सेंट्रल पे और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 30 मिनट लेट आई है क्योंकि ये पीछे खड़ी थी आउटर पे। बाकी सीन क्या हो गया था यार, मैंने कैश मतलब निकलवाना भूल गया था मैं और पैंट्री वालों से बोल रहा था भाई कुछ खाने के लिए दे दो, बट पैंट्री वाले क्या बोल रहे हैं कि 20 रुपये ज़्यादा दो, 30 रुपये ज़्यादा दो। तो अभी एक भैया मिले थे तो उन्होंने दे दिया 2000, मैंने उनको फ़ोनपे पेटीएम कर दिया तो अच्छा हुआ यार। बट आप जर्नी करते हो तो आप कैश निकलवा के आएँ क्योंकि कई जगह पर कैश अवेलेबल नहीं होता और पैंट्री वाले तो भाई बिल्कुल भी नहीं लेते यार। एक तो ओवर प्राइस बेचते हैं, देखो इसमें भी ओवर प्राइस खाना बेचा जा रहा है, 130 की प्लेट बेची जा रही है और जो कॉफ़ी है वो 25 की बेची जा रही है। बट इनकी क्लास मैं लूँगा, रात को लूँगा खाना खाने के बाद, इनको पैसे भी पूरे दूँगा। जब बिल लेने जाऊँगा ना तब मैं पैसे नहीं वापस लूँगा, कंप्लेन करूँगा सीधी। तो 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है अपना कानपुर और ये स्टेशन है अपना प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद डिवीज़न के नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है और इसको मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे चमड़े का और भी बहुत सारी तरह तरह की फैक्ट्रीज अपने कानपुर पे। बाकी हॉन्ग हो गया अपनी ट्रेन का भाई, कुछ सोचा था लेने के लिए लेकिन हॉन्ग हो गया भाई। यहाँ क्या हो गया भाई? कानपुर से डिपार्चर रूठे हुए हैं। ए की लफड़ा करके रख तेरा लग रहा है आपसे रूठे हैं, ले जा भैया रूठे हुए को मनाना चाहिए भाई। भैया बिल मिल जाएगा ना? बिल क्या बोले? बिल दे दोगे ना इसका? बिल अभी नहीं दे पाएंगे, हाँ नहीं दे पाएंगे सर, हम लोग मशीन जो होता है ना रिपेयरिंग के लिए दिए हैं। लिख के दे देना। नहीं ऐसे नहीं दे पाएंगे यार, अब देखते हैं कोशिश करते हैं। थोड़ा पेमेंट दीजिए। मैंने दिया, मैंने 200 आपका सर दे दीजिए, एक सेकंड बिल दे जाना प्लीज। ठीक है, क्या हो गया भाई हमारा खाना? ये तो चलो घर से रहा है मैंने। ये आ गया हमारी 150 की प्लेट और अभी बोला उनको कि बिल दो मुझे, अगर बिल नहीं देते हैं तो खुद पैंट्री में जाएंगे, बट लड़ेंगे नहीं आज, प्यार से बिल मांगेंगे ठीक है, अदरवाइज़ हम कंप्लेन कर देंगे अगर बिल नहीं देंगे तो। बाकी 150 की थाली दी है इन्होंने जिसमें ये रोटी है, ये हल्दीराम की सोन पापड़ी मैंने घर से लाई थी, ये देखो घर से लाई थी, आधी खा दी आधी बची हुई है। बाकी ये खाना आ गया जिसमें हमें दाल दी गई है, ये है सूखी सब्जी और ये पनीर है और एक मिठाई है एंड 4 रोटी है एंड ये चावल है और पूरी थाली पड़ी हमें 150। सो टेस्ट भी बता देते हैं आपको, एक्सरसाइज भी रखते हैं। टेस्ट की बात करें तो भाई बढ़िया है, रोटी भी ट्राई कर लेते हैं। तो रोटी भी ठीक है, सब्जी भी ठीक है, व्हाटएवर। अभी जाएंगे हम बिल लेने खाना खाने के बाद। बट ये मिठाई दी है, मिठाई नाम की है, इतनी अच्छी नहीं है मिठाई। भैया ठीक था खाना? हाँ ठीक था खाना। कितने का मिला खाना? 150। भाई किस एंगल पढ़े लिखे हो ना, अब
किस एंगल से 150 का लगता है। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया, मीठा भी खा लिया, अभी जाते हैं बिल लेने के लिए, देखते हैं हमें बैंड वाले कितने का बिल देते हैं, प्यार से बिल मांगते हैं, अदरवाइज अगर नहीं देते तो फिर कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना, बट बिल लेके जाएंगे आप अगर आप भी जर्नी करते हो। देखो अब मैं और पैसेंजर्स के लिए बोल नहीं सकता भाई, क्योंकि आजकल भाई किसी के लिए आप बोलोगे तो वही उल्टा समझ लेता है कि क्यों फालतू में बोलना, ठीक है। लेकिन आप मेरी ऑडियंस हो, अगर आप यात्रा करते हो तो अपना बिल जरूर लेना है, ठीक है। लोगों को जो सोचना है सोचने दो यार, जिसको जो सोचना है सोचने दो, अपना हक लेना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बिल लेने के लिए अपना। भैया जी भैया खाना खाया था, बिल चाहिए था यार। मिल जाएगा खाना? नहीं नहीं वो बोल रहा है कि पैंट्री से ले लो। कितने का? 150 का खाना लिया था, 25 की चाय ली। तो बिल कहीं कंपनी का लगाना हो तो ज़्यादा बना लो, ज़्यादा बना दूँगा। नहीं नहीं जितने का है ना उतना दे दीजिए। एक कॉफी पिए थे भैया हमसे, उनका भी बिल बना दे। हाँ हमें जो कॉफी वाला पाउच दे दिए थे ना आपको। हाँ 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 यार वो मानते नहीं है ना, समझा करो ना, वो प्रिंट पक्का बिल। पहले आप वीडियो काहे बना रही है भाई? पैंट्री कार के अंदर गए थे, वीडियो नहीं बनानी थी उन्होंने, मतलब बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, कम से कम भी दोस्तों 15-16 बंदे इकट्ठे हुए थे, एंड बोल रहे हैं कि क्या प्रूफ है बिल लिया है। तो अभी जिससे हमने बिल लिया है उससे बिल मांगते हैं, अगर नहीं देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, बट बिल लेंगे हम, कंप्लेन करेंगे। यार एकदम से इतने बंदे इकट्ठे हो गए, बोलते वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैंने बोला भाई बिल दे दो फिर, तो बोलते जिससे खाना लिया बिल उसी। अब देखो बहुत देर हो गई भाई, अभी अपन जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि कंप्लेन कैसे करते हैं, तो जस्ट आपको 139 पे कॉल करनी है एंड अपना PNR नंबर शेयर करना है, देन आपकी कंप्लेन हो जाएगी। ये कर दिया हमने, 139 पे कॉल कर दिया हमने। देखिए भैया जा रहे थे, 10 मिनट समय दीजिए ना। कितने मिनट में आओगे? अभी आधा घंटा हमको समय दीजिए आप। आधे घंटे का पैसा उसने लिए, खाना देना है। पक्का दे देना, ठीक है। नहीं दिया, क्वालिटी ठीक थी फूड की। उसके बाद मैं पैंट्री में गया ना तो सर अच्छे से बात नहीं करते, ऐसे नहीं दिया उन्होंने बिल। ठीक है सर, थैंक यू भाई। कंप्लेन हो गई है रात के 10:30। देखो भाई उठने भी नहीं दिया यार इन्होंने, उठने भी नहीं दिया इन्होंने, मतलब टाइम देख लो। देखो 5:26 हो रहे हैं। वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं क्योंकि मैं सोया था, और रिकॉर्ड सुना सकता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। कंप्लेन जो है वापस कर, उन्होंने सोचा कि चलो हरियाणा का है, बाहर का है, आप अपने इधर के लोगों को ज्यादा सपोर्ट। आप तो मेरा गेस्ट हो, उधर बोल रहे थे भाई। फाइनली बिल मिल चुका है हमें, और सुबह सुबह का बिल कटा है भाई, 5:27 का बिल कटा है। तो देखो भाई कितना डर होता है कंप्लेंट का इनको, एंड कंप्लेंट तो मैं अभी वापिस नहीं लूँगा। रात को मैं गया था, मेरे को कम से कम भी भाई 15 पेंट्री वालों ने घेर लिया था और मेरे से वीडियो डिलीट करवाई थी। सोच रहे थे कि बाहर का बंदा है हरियाणा, वो हरियाणा का सोच रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ और ही हो जाएगा। अब देखो बोल रहे हैं मतलब कंप्लेन वापस लो, कंप्लेन वापस लो। यार चप्पल ही नहीं मिल रही यार। अभी हो चुकी है भाई सुबह, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। लखीसराय पहुंचने वाले हैं हम, एंड क्या हो गया यार चप्पल ही नहीं मिल रही सुबह सुबह में उठकर, क्या हुआ था, कोई पहन के ना चला गया? तो देखो ये शूज पहन के आया, चप्पल ही नहीं। चप्पल चप्पल आपने चप्पल मैं वही था, पता था कि कोई पहन के चला गया होगा, भैया ने पहन ली थी। बाकी लखीसराय देख लो पहुँच गया, अभी हम बिहार में पहुँच चुके ऑलमोस्ट रात के बिहार में, एंड देखिए सुबह सुबह का टाइम भी हो चुका है। ये लखीसराय भी ये कोई छोटा सा स्टेशन है, अभी लखीसराय भी आने वाला है। बाकी देखिए सनराइज हो रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों दिल्ली से 1108 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कवर कर लिया, और पहुँच चुकी है अपने 14th हॉल्ट पे जो अपना लखीसराय,
जो अपना लखीसराय है ये बिहार में पड़ता है, और ये ट्रेन यहाँ पे ना 1 घंटा और 24 मिनट देरी से आई है। 4:00 पे टाइम था, लेकिन टाइम देख लो भाई 6:22 हो रहे हैं। सॉरी ये घड़ी थोड़ी गलत हो गई है, मतलब 18 शाम वाले 6:00 रही है। तो बाकी यही अपना लखीसराय, अभी पुल आएगा लखीसराय वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी ट्रेन देखिए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे, एंड कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं अबे चल गई थे। बाकी देखिए हॉक हो चुका भाई ट्रेन का लखीसराय से। बाकी लखीसराय पे 4 प्लेटफॉर्म थे, L11 स्टेशन। ये 1110 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे ने कवर कर लिया है दिल्ली से, और पहुंच चुका अपने 15th हॉल्ट पर जो अपना क्यूल जंक्शन क्या है, ULX का स्टेशन कोड है। और मात्र थोड़ी ही दूर, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा ये लखीसराय से। और जो अपनी विक्रमशिला है ना भाई, ये सच में यार DDU दीनदयाल उपाध्याय के बाद पैसेंजर बन जाती है, क्योंकि इसको बिहार को कवर करना ही होता है। बाकी देखिए जो क्यूल जंक्शन से कितने सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं। बाकी दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन अपना क्यू है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से गया को चली जाती है, एक जसीडी को चली जाती है, और एक जाती है भागलपुर को, जिस रूट पे हमारी ट्रेन अभी जाएगी वो भागलपुर वाला रूट है, मतलब कि यहाँ से ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ से ट्राई करते हैं अभी कुल्लड़ वाली चाय देना भैया, चाय देना। हाँ 10 की। बाकी ये ले ली हमने चाय, और जो पहले वाले वेंडर ये मतलब उसके पास चाय थी लेकिन उसने दी नहीं भाई, उसने देखा कि वीडियो बन रही है और बहाना मार दिया कि सुबह सुबह चाय नहीं बनी। ऐसा कौन सा स्टॉल है यहाँ पे सुबह सुबह चाय ही नहीं बनी भाई, अजीब है यार यहाँ। बाकी चाय अच्छी थी इन्होंने 10 रुपये। देखिए हॉक हो चुका है एंड इधर भी यात्री भाग रहे हैं, ये साली लेट हो जाती है ना इधर आने, आगे बिहार आने के बाद। देखिए भाई डिपार्चर फ्यूल जंक्शन से, और अभी छोटे मोटे स्टॉप हम का स्किप करेंगे क्योंकि भाई स्टॉप बहुत ज़्यादा है यार, हद से भी ज़्यादा स्टॉप है। देखिए फ्यूल से डिपार्चर फ्यूल जंक्शन। तभी हमारी ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी और जाएगी भागलपुर के रास्ते, और जो भागलपुर है ये अपना बॉर्डर ही बढ़ जाता है झारखंड का, है ना। तो अभी दिखाते हैं आपको डाइवर्ट ट्रेन कैसे होती है। सो ये है क्यूल का ईस्ट कैबिन, जो कि अभी छोड़ चुके हैं, यहाँ पे काम नहीं होता है, यहीं से डाइवर्ट हो रही है। एंड जो ये रास्ता गया ना ये नीचे को, ये गया अपना जसेड़ी, जो कि आगे जाके वही झारखंड वाला रास्ता है ये, और जो जिस रूट पे हमारी ट्रेन अभी जा रही है वो गया है भागलपुर। देखिए ये गया सीधा अपना झारखंड को पहाड़ों के पीछे से होते हुए। उपनारगंज गया, चप्पल चोरी हो गया ना, इधर भी हो गया चप्पल चोरी, चप्पल मोजा ही चोरी।
सो 1133 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपनी 17th हॉल्ट पे, जो अपना अभयपुर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेनें रुकती हैं। रीज़न एक बता दूँ आपको, पॉलिटिकल रीज़न है, तो ऑलमोस्ट ट्रेनें रुकती हैं अभयपुर में। बाकी इसके बाद हम स्किप करने वाले हैं 2-3 स्टेशन को और सीधा आपको मिलते हैं सुल्तानगंज में। ये देखिए डिपार्चर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली से 1155 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी अपने 20वें हॉल्ट पे, जो अपना जमालपुर JMP इसका स्टेशन कोड है। दोस्तों अपना जमालपुर है, जमाल का मतलब होता है खूबसूरती, ब्यूटी उर्दू में, तो उसी के नाम पे जमालपुर पड़ गया इसका नाम। और जो अपना जमालपुर है ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अपना जमालपुर। सूरत पागलपुर सूरत। तो दोस्तों सुबह के 8:54 हो रहे हैं और 8:15 पे टाइम था हमारी विक्रमशिला का, लेकिन फाइनली पहुंच चुकी है ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे, जो है अपना बिहार का भागलपुर। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये, मतलब रातों रात में ही समझ लो आप दोपहर को बैठो और दूसरे दिन सुबह भागलपुर पहुँच जाओ। काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रेन में यात्रा करके। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो अपना हक जरूर लें, बिल जरूर लें, चाहे छोटी चीज़ लें चाहे बड़ी चीज़ लें, लेकिन बिल जरूर लें, ठीक है। बाकी बाय बाय, मिलते हैं एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ।